गोस्वामी व्हाट्सएप चैट मामले को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी, अमित शाह और अर्णब गोस्वामी ने मुल्क से खिलवाड़ किया है। कांग्रेस रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी और टीवी रेटिंग एजेंसी बार्क के साबिक सीईओ पार्थू दासगुप्ता के दरमियान हुए मुबैना व्हाट्सएप चैट को लेकर कांग्रेस ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। इस व्हाट्सएप चैट के अफशा होने के बाद कांग्रेस ने अर्णब गोस्वामी के साथ साथ पीएम मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर भी मुल्क के साथ खिलवाड़ करने का इल्जाम आयद किया है। इस सिलसिले में कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साबिक वजीर दिफा ए के एंटोनी ने कहा कि सहाफी अर्णब गोस्वामी और पार्थू दास गुप्ता के दरमियान पुलवामा में 40 जवानों की शहादत को लेकर जिस जबान का इस्तेमाल हुआ है वो हैरान करने वाला है। इससे मुझे जाती तौर पर तकलीफ हुई है। कांग्रेस के जरिए मुनद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ए के एंटोनी के अलावा सीनियर लीडरान सलमान खुर्शीद, सुशील कुमार शिंदे और गुलाम नबी आजाद वगैरह भी शामिल थे। उन्होंने राजदारी वाली बात की अफशा होने पर सख्त रद्दअमल दायर करते हुए मुतालबा किया कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एंटोनी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ये व्हाट्सएप ऐप गुफ्तगू को पूरे मुल्क के लिए फिक्र की बात है। हर मुहिब वतन हिंदुस्तानी हैरान है कि क्योंकि ये कौमी सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, मुल्क के आम लोगों और सियासी पार्टियों के दरमियान कई इश्यूज पर नाइत्तेफाकी हो सकती है, लेकिन जब कौमी सिक्योरिटी से जुड़ा मामला सामने आता है तो पूरा मुल्क एक होता है। आइए देखिए जानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या बातें हुई। तिहत्तर साल के इतिहास में स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ होते इस देश ने नहीं देखा। आजाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उनके कार्यालय, गृह मंत्री एवं पूरी सरकार की मर्यादा को छिन्न भिन्न होते हुए भी यह देश देख रहा है। न्यायपालिका पर, देश के संविधान की शपथ लेने वालों पर ऐसा प्रश्न चिन्ह पहले कभी नहीं लगा। 73 सालों में साथियों, ऐसी गंदगी जहां संविधान, परंपरा, परिपाटी, नियम, कानून सब देश के सर्वोच्च नेतृत्व के हाथों छिन्न भिन्न हो रहे हैं, ये उम्मीद करता हूं कि आखिरी बार ये ऐसे मंजर ये देश देख रहा है। ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े दिखने वाले लोग कितने बौने हो जाते हैं कि अपना ईमान एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर जो अपने आप को पत्रकार कहता है बेच रहे हैं। देश के साथ जो खिलवाड़, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, अमित शाह साहब एवं अर्णब गोस्वामी जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मैं उन्हें पत्रकार नहीं कहूंगा, ने मिलकर जो किया वो पूरा देश स्तब्ध होकर देख रहा। किया वो केवल देश के लिए नहीं तो पूरे जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद चीज है। जैसे इतने साल में किसी जर्नलिस्ट ने, किसी संस्था ने इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में उल्लंघन किया है, ऐसी घटना इस देश में नहीं हो गई थी। हमने दो तीन युद्ध भी देखे, अलग अलग पार्टी के सरकारें देखी, उसमें भी इस तरह की बात ऑफिशियल सीक्रेट डिस्क्लोज करने की बात नहीं हो गई थी। तो विशेषता बालाघाट के बारे में और पुलवामा से भी ले ले, जब कहीं खुशियां मना रहे थे, बालाकोट, हाँ बालाघाट तो इधर बालाकोट, कहाँ खुशियां मना रहे थे, लेकिन देश तो 40 लोग हमारे जवान मृत्यु हो गए थे, उसमें दुख में थे, दुख मना रहे थे। और कई लोग फोन पे बात कर रहे थे कि हमारे देश का अभी भला हो जाएगा। कैसा भला हो जाएगा? और कौन भला करेगा ये भी संभाषण है उसमें।
तो ये अंतोनी जी ने जो कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए पर्टिकुलरली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में, जो ये लीकआउट हो गया है, ये हमारे देश के लिए और अगले आने वाले सरकारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये पार्लियामेंट में तो ये इस पर उठाएंगे, लेकिन सरकार ने इस पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जो करना है वो अभी तक नहीं किया है। और ये सभी कई बम्बई के रिकॉर्ड में डिस्क्लोज हो रहे हैं, कई यहाँ के रिकॉर्ड में डिस्क्लोज हो रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इतना सब होने के बाद अभी तुरंत वो इसकी इंक्वायरी करेंगे और देश को बताएंगे कि किस तरह का काम किया है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो गुनाह किया है उन्होंने उसकी सजा मिलनी चाहिए। द कंडेंस ऑफ द लीक चार्ज बिटवीन श्री अर्णव गोस्वामी ऑफ रिपब्लिक टीवी एंड द फॉर्मर सी ऑफ बार्क इज अ सीरियस कंसर्न टू द एंटायर नेशन, every patriotic Indian. It's a shock and a serious matter of concern because it affects the national security, our country's security, affects the security of our armed forces, especially in this case security of our brave air warriors, and also the way they mentioned about the martyrdom of 40 brave, our brave CRPF men. These are all serious concern to us. You know, in India there are differences among the people and political parties on almost every issue. But when it comes to national security, the entire India is one, cutting across party lines, religious line. All Indians are one to protect the national security.